मंडी के वार्ड नंबर 4 से जुड़ी समस्याओं को लेकर पार्षद सहित स्थानीय लोग लामबंद होने लगे हैं। सड़कों की हालत सुधारने, सीवरेज और अन्य समस्याओं के निदान के लिए पार्षद की अगुवाई में एडीएम मंडी के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आईपीएच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। लोगों ने ज्ञापन कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद और एक्सिन आईपीएच को भी दिया। पार्षद ने कहा कि वार्ड नंबर 4 में पानी की सप्लाई के लिए लगभग 6 माह पहले पाइप बिछाई गई थी। इसके लिए पूरी गलियों को खोदा गया जिन्हें अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। वार्ड में एक जगह फायर लाइन बिछाई जानी है, बाकी पूरे वार्ड में जहां पाइपों के बिछाने का काम पूरा हो चुका है वहां की मरम्मत के लिए आईपीएच एनओसी जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि उखड़ी हुई सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है और लोग ठोकर खाकर गिर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में हस्तक्षेप करे और वार्ड नंबर 4 में एनओसी जारी करके आईपीएच को निर्देश दे। उन्होंने कहा कि सकोड़ी में लगभग 1 वर्ष से स्लीट लगातार बह रही है जिससे पूरी गंदगी फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, गंदगी के लगातार बहने से आसपास के पूरे क्षेत्र में बदबू फैल रही है। मैंने आज दिनांक 8/3/2018 को उपायुक्त महोदय के नाम एक पत्र दिया हुआ है जिसमें अपने वार्ड की समस्या के बारे में उन्हें बताने जा रही हूँ। मेरे वार्ड में स्कोडी खड स्थित है और इस खड में सीवरेज जो कि लगभग 1 साल से लगातार बहती जा रही है और इस खड में गंदगी का सबब बहुत ज्यादा बना हुआ है और यह पानी आगे मिलके ब्यास नदी में जाएगा और वहां से पीने योग्य पानी हमें मिलेगा। तो ये गंदगी हम पी रहे हैं और ये जो एरिया बहुत खराब हालत में है, हम लोग इसी खड्ड के किनारे में रहते हैं और यहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं और यही सीवरेज लगातार लगभग 9-10 महीनों से लगातार बहती जा रही है और जिसके कारण हमें बदबू का भी सामना करना पड़ रहा है और गंदगी भी सारा गंदगी वेस्ट मटेरियल सारा इसी खड्ड से होकर जाता है। और दूसरी समस्या जो मैंने डीसी साहब के सामने रखी वो समस्या हमारी ये जो आईपीएच विभाग ने पाइप्स डाली हैं 24 घंटे पानी के लिए, ये काम लगभग 6 महीने पहले ही पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक कोई एनओसी हमें नहीं मिली है ताकि मैं इन सड़कों को दुरुस्त करवाऊं, नगर परिषद से इनकी रिपेयर का काम करवाऊं। ये इतने बार मैं खुद जाकर भी मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, मैंने टेलीफोनिकली भी उनसे बात की है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई थी तो उसमें भी मैंने उनसे विशेष रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें एनओसी दीजिए ताकि मैं इन सड़कों को दुरुस्त करवाऊं क्योंकि लोग लगातार कोई न कोई रात को कभी अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती है तो कोई गिरता है, कुछ होता है, कईयों को फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो मैं यही प्रशासन से मांग करती हूं, मैं यही चाहती हूं कि मेरी इन दो समस्याओं पर गौर किया जाए और इनका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान किया जाए और इस सीवरेज समस्या को तो दूर किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर एडीएम राजीव कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 4 के लोगों का एक ज्ञापन उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि ये मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया जाएगा और हर संभव कोशिश समस्या के निदान के लिए की जाएगी। ये जो पार्षद वार्ड नंबर 4 ने मुझे अभी रिप्रेजेंटेशन दिए इसमें सीवर की समस्या और जो नालियों के लिए पानी पीने के पानी की नालियों के लिए आईपीएच विभाग द्वारा खुदाई की गई है उनके भरने बारे इन्होंने समस्याओं को हमारे ध्यान में लाया है। ये समस्याएं हमारे ध्यान में पहले से ही हैं और इसमें डी साहब ने मुझे निर्देश दिए थे कि मैं एक बैठक करूं और 3 मार्च को इसमें हमने ऑलरेडी ही एक बैठक कर ली है जिसमें एक्सएन आईपीएच भी उपस्थित थे और नगर परिषद अध्यक्षा मैडम और ईयूएमसी अपने स्टाफ के साथ सब उपस्थित थे और इनको चरणबद्ध तरीके से काम करने के लिए और तुरंत जो भी पेंडिंग काम है उनको पूरा करने के लिए जो है वो आईपीएच विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं।